We will talk about article in this lecture, and there are two types of articles, definite, indefinite. Definite mean the, indefinite mean a or an. ठीक है, ए के बारे में यूजली बच्चे ये है कि ये कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ होता है, यानी ऐसे वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, और एन जो वावल से स्टार्ट होते हैं. बट आप लोगों ने बच्चे जो फोकस करना है वो फोकस करना है साउंड के ऊपर, क्योंकि समटाइम ऐसे होता है बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि वावल से स्टार्ट होते हैं. जैसे मैंने ये नीचे एग्जाम्पल दी हुई है, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन यूनियन. ठीक है, तो ये जो है वो ई भी वावल है, यू भी वावल है, तो ये वावल से तो स्टार्ट हो रहे हैं, बट इनके साथ जो है वो एन नहीं लगता. ठीक है, ए लगता है. तो इस वजह से आप लोगों ने जो फोकस करना है बच्चे, वो साउंड पर फोकस करना है. फोकस ऑन साउंड ऑफ ए, बट इट मस्ट बी काउंटेबल, नॉट अनकाउंटेबल. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल का बच्चे, यानी नीचे मैंने एग्जाम्पल भी दी हुई है, एन ऑक्स. ये ऑक्स कुल्हाड़े को बोलते हैं, इसको काउंट किया जा सकता है, जितने भी नंबर्स ऑफ ऑक्सेस हैं आप काउंट कर सकते हो. देन एन एग, ठीक है, एन आंट, आंट, तो ये काउंट किए जा सकते हैं. ऐसी चीज़ जो अनकाउंटेबल हो उसके साथ एन नहीं लगता है. ठीक है, ये आप लोगों ने जहन में रखना है. उसके बाद है, इट इज़ ऑलवेज यूज विद नेम्स काउंटेबल नॉट अनकाउंटेबल. ठीक है, ये उन नेम्स के साथ हमेशा लगता है जो काउंटेबल होते हैं, जो जो है वो अनकाउंटेबल होते हैं उनके साथ नहीं लगता, उनके साथ कुछ और लग जाता है, जैसे सम फूड. ठीक है, अब फूड है तो वो अनकाउंटेबल है बच्चे, तो उसके साथ फिर ए और एन नहीं लगता, उसके साथ क्या लगता है, सम लग जाता है. ठीक है, तो इसी तरह से वर्ड्स हैं जो कि इस लेक्चर के एंड पे मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी कि जिनके साथ ए और एन नहीं लगता, बल्कि कुछ और जो है एडिशनल वर्ड या कुछ और मेजरमेंट के यूनिट या क्वान्टिटी जो है वो लगती है. ठीक है, आपने फिलहाल बच्चे ये जहन में रखना है कि ऐसे वर्ड्स जो जिनका साउंड जो है वो एन के बारे में अगर हम बात करें तो वो साउंड पर फोकस करना है. जिनका साउंड ए का आ रहा हो उनके साथ एन लग जाता है, बाकी सब के साथ ए लग जाता है, और ये काउंटेबल के साथ लगते हैं, अनकाउंटेबल के साथ नहीं लगते. ठीक है, तो ये था इनडेफिनेट. उसके बाद हम आते हैं डेफिनेट. डेफिनेट में आता है बच्चे द. ठीक है, अब इसको थ्री कैटेगरीज के अंदर देखेंगे. फर्स्ट कैटेगरीज में जहाँ ये जर्नली यूज होता है द, दूसरी कैटेगरीज में देखेंगे कि जो ये प्रॉपर नाउन के साथ यूज होता है, एंड थर्ड कैटेगरीज में देखेंगे जहाँ ये नहीं लगता. ठीक है, तो जर्नली में बच्चे पहले नंबर पर हम ये देखेंगे कि इट इज यूज बिफोर नाउन विच इज वन, यानी एक ऐसी चीज जो कि एक ही है दूसरी नहीं है. जैसे अर्थ है, मून है, स्काई है, तो बेटा ऐसी चीज जो एक ही है, जिसके जो दूसरी नहीं है, तो उसके साथ जो एक यूनिवर्सल एंटिटी है तो उसके साथ दा लगता लग जाता है. सेकेंडली, इट इज यूज विद नाउन बीइंग मेंशन्ड सेकंड टाइम इन ए सेंटेंस. ठीक है, नाउन किसी भी इसम को बोलते हैं जो कि सेंटेंस में यूज होता है. जैसे आई सॉ ए थीफ, मैंने एक चोर देखा. थीफ जो कि सेकेंड टाइम रिपीट हो रहा है सेकेंड क्लॉज में, द थीफ वॉज वेरी क्लेवर. तो इसमें थी पहली दफा साथ दा नहीं लगाया, लेकिन उसको जब रिपीट किया सेकंड क्लॉज के अंदर तो फिर उसके साथ दा आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पर है, इट इज यूज्ड विद नाउन रिप्रेजेंट ए क्लास, यानी जब कोई, वैसे तो द डॉग, द लाइन नहीं बच्चे यूज करेंगे, सिंपली डॉग लाइन बोलेंगे, बट जब एक एक पर्टिकुलर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो, तो देन उस वक्त इनके साथ दा लग जाएगा. ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन का मतलब होता है रियायत है. ठीक है, जहां पर ये चीज यूज नहीं होनी. डू नॉट यूज विद मैन एंड वुमेन. अब जो कि मैन है तो वो भी एक जो मर्दों की एक रेस होती है, उसको स्पीशीज होती है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और वुमेन भी इस तरह से, तो मैन और वुमेन के साथ ये यूज नहीं होता, ये बात याद रखना. ठीक है, उसके बाद है, इट इज यूज बिफोर एडजेक्टिव, जैसे द पुअर है, द डेड है, तो इस तरह के जो एडजेक्टिव है उनके साथ भी ये बच्चे यूज होता है. ठीक है, द. उसके बाद है, इट इज ऑल्सो यूज विद सुपरलेटिव डिग्री. ये तो आपको पता होना चाहिए, द मोस्ट, द फास्टेस्ट. ठीक है, तो इस तरह जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ भी द का यूज होता है. तो ये था बच्चे जनरली, कि जनरली जो द है वो कहाँ कहाँ यूज होता है. उसके बाद आता है यूज विद प्रॉपर नाउन. ठीक है, तो प्रॉपर नाउन में बच्चे सबसे पहले है कि इट इज यूज्ड विद नेम ऑफ रिवर्स. अब पाकिस्तान को ले लो, तो उसमें पंजाब के अंदर ही 5 रिवर्स हैं, जेलम है, इंडस है, उसमें चनाब है, रावी है, तो इस तरह के जितने भी नेम ऑफ रिवर्स हैं उनके साथ द लगेगा. दा जेलम, द इंडस. ठीक है, देन नेम ऑफ माउंटेन्स, जैसे द अटलांटिक, द एप्स,
आप्स माउंटेन है, दी हिमालया माउंटेन है, इस तरह के जितने भी माउंटेन्स की रेंजेस हैं सब उनके साथ द लगेगा। उसके बाद है जितनी भी हॉली बुक्स हैं, द हॉली कुरान, द तुरैत, द जबूर, द अंजील, ठीक है, इस तरह की जो भी हॉली बुक्स हैं उन सब के साथ बच्चे द लगेगा, ठीक है। फिर ये नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जैसे पियानो, फ्लूट, ये द पियानो आएगा, द फ्लूट आएगा, ठीक है, तो इनके साथ भी लगेगा। सेकेंडली नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, बच्चे जितने भी नेम ऑफ आपने न्यूज़पेपर्स देखते हो, जैसे द न्यूज़ है, द नेशन है, द हिंदुस्तान टाइम है, द न्यूयॉर्क टाइम है, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, तो आप वर्ल्ड वाइड भी देखें या ओवरऑल भी देखें तो जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं सबके साथ द लगता है। फिर नेम ऑफ नेशंस, यहाँ पे नेशन से मतलब कोई कंट्री नहीं है, नेशन से मतलब एक कॉम है, जैसे द मुस्लिम्स, द हिंदू, द क्रिश्चियंस, ठीक है, तो उनके साथ भी दा लगता है। उसके बाद नेम ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स जैसे द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, तो जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स आते हैं उनके साथ भी बच्चे दा लग जाता है। थर्डली इसमें है कि नेम ऑफ डायरेक्शन, साउथ नॉर्थ ऐसे नहीं बोलेंगे, द साउथ, द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, ठीक है, ये फोर है। देन नेम ऑफ प्रोफेशंस, द बार्बर, द फार्मर, ठीक है, इस तरह के जितने भी प्रोफेशंस बनते हैं बच्चे उनके साथ भी दा लग जाएगा। उसके बाद है नेम ऑफ रोड्स, ठीक है, बट ये याद रखना है कि नेम ऑफ स्ट्रीट जो है उनके साथ दा नहीं लगता, ठीक है। रोड्स कोई बड़ा जैसे ये आप कह लो कि मोटरवे जो है वो फोर बना है तो इसका एक पर्टिकुलर नेम है तो उसके साथ जो है दा लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पर बेटा है कि इसमें डू नॉट यूज विद द फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे द का यूज नहीं रख करना, ठीक है। अब उसमें पहले नंबर पर है कि नेम विद सिटीज, जैसे लाहौर है, द फैसलाबाद, द लाहौर, द कराची, ऐसे नहीं करना इसको, ठीक है, सिटीज के नेम के साथ नहीं लगाना, नेम ऑफ द पर्सन भी नहीं लगाना, द आर्यन नहीं करना, द जहरा नहीं करना, ठीक है। उसके बाद है नेम विद मटीरियल थिंग्स, जैसे गोल्ड है, जैसे वीट है, ठीक है, तो इनके साथ नहीं लगाना। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्शन कैसे है कि बट व्हेन इट इज यूज्ड स्पेसिफिकली, ठीक है, कि इसमें जो है वो कोई जैसे मैंने बताया गोल्ड का, तो जनरली गोल्ड के साथ नहीं लगेगा, बट जब गोल्ड स्पेसिफिकली बोला जाएगा जैसे द गोल्ड ऑफ डीजी खान, ठीक है, तो फिर इसके साथ द लग जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे नेम विद डिजीज, ठीक है, जैसे द फीवर, द हार्ट अटैक, ऐसा नहीं होगा, जस्ट सिंपल फीवर, हार्ट अटैक, डिजीज के जो डिजीजेस हैं उनके नेम्स के साथ दा नहीं लगता। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ दा नहीं लगता, अब्स्ट्रैक्ट नाउन नाउन क्या होता है, जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसको हाथ में लगाया जा सकता, सच एज विजडम, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, ठीक है, तो इनके साथ दा नहीं लगता। उसके बाद नेम ऑफ मंथ्स है, जैसे अप्रैल, जून है बच्चे, इनके साथ भी दा नहीं लगता। नेम ऑफ डेज के साथ भी, दा संडे कभी नहीं होता, दा मंडे कभी नहीं होता, सिंपली संडे मंडे होता है, ठीक है। एंड लास्टली जो है उसमें नेम ऑफ लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश है, उर्दू है, फ्रेंच है, सिंपल इनके साथ दा नहीं लगता। बट बेटा यहाँ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कैसे है, बट वेन वर्ड लैंग्वेज इज यूज विद लैंग्वेज, जब एक वर्ड जो स्पेसिफिक वर्ड है लैंग्वेज का वो यूज हो जाएगा लैंग्वेज के साथ तो फिर द लग जाएगा। सिंपली उर्दू होगा तो द उर्दू गलत हो जाएगा, लेकिन अगर उर्दू लैंग्वेज होगा तो फिर उसके साथ द लगेगा द उर्दू लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आज एक छोटा सा लेक्चर था आर्टिकल्स पे जो है हमने किया, हमारे आर्टिकल्स कवर हो गए हैं। उसके बाद बेटा आप रहते हैं आपके जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच बाकी रहते हैं पार्ट वन के अंदर, और उसके बाद फिर पार्ट टू स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए।